हांडी चिकन वाला है, ये काफ़ी अच्छा बनाते हैं और जी और भी सब है, सूप वगैरह भी अच्छा बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ बरेली में एक और स्वाद की तलाश में, एक ऐसे फूड की तलाश में जो कि बहुत ही लाजवाब है और उसको कहते हैं मटन कबाब। तो फ्रेंड, ये जो जगह है बहुत फेमस सिंधी कबाब वाले हैं ये बरेली में। एक बार आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए और वीडियो फ्रेंड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वाकई फ्रेंड पानी आ जाएगा। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप है ये, और ये जो है ये सिंधी कबाब कॉर्नर के नाम से मशहूर है ये बरेली में, और इनके वहाँ नॉनवेज की काफ़ी वैरायटियाँ मिलती हैं। और क्या क्या मिलता है पूरा हम आपको दिखाएंगे, पूरा बताएंगे। फ्रेंड्स वाकई में मज़ा आ जाएगा वीडियो में। एक बार आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ का जो एड्रेस होगा वो मैं पूरा बता दूँगा आपको, क्या प्राइसिंग है, क्या क्या फ़ूड यहाँ पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सर हैं जो कि यहाँ से फूड लेके जा रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मुझे एकदम फाइन। तो सर, आप अक्सर यहाँ पे आते हैं लेने या कभी कभी? लगभग दूसरे तीसरे दिन आ ही जाते हैं। तो यहाँ का आपको क्या पसंद आता है? हांडी चिकन वाला है, ये काफ़ी अच्छा बनाते हैं और जी और भी सब है, सूप वगैरह भी अच्छा बनाते हैं। तो प्राइजिंग वगैरह क्वान्टिटी सही मिलती है आपको? एकदम फर्स्ट क्लास, तरोताज़ा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीर जी जिन्होंने अभी यहाँ पे फूड ट्राई करा। जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो आपने क्या यहाँ पे ट्राई करा वीर जी? मैं तो इनके बाद में कभी बिरयानी खाने आता हूँ। अच्छा। तो कभी नॉनवेज। तो नॉनवेज खाने आते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अक्सर आते हैं यहाँ पे खाने या कभी कभी? वीकली में आते ही रहता हूँ। तो स्वाद आपको अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया टेस्ट है। क्वान्टिटी प्राइसिंग वगैरह सही है इनकी? बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। और जगह से बहुत अच्छी इनकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। बहुत पुराने भी हैं यहाँ पे बरेली में और काफ़ी अच्छा इनका स्वाद है, खासतौर से कबाब का। बिल्कुल, वही मैंने अभी खाया, अभी मैं आपको बताऊँ, टेस्ट में बिल्कुल बेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, इन्होंने भी खाया, मैं भी खाऊंगा, और मैंने इनका कबाब पहले भी खाया है, तभी मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप ठीक है? सर बढ़िया। आपका शुभ नाम भैया? अनूप आसवानी नाम है मेरा। तो भैया, ये आउटलेट आपका कितने वक्त से है, कितना पुराना, जरा बताएंगे आप? 6 साल हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। और इस जगह पे आपको 6 साल हो चुके हैं? इससे पहले आईवे रोड पे था हमारा, अब यहाँ 6 साल हो चुके हैं। लगभग कितना पुराना काम है आपका? 22 साल हो गए इसको। तो फ्रेंड 22 साल इनको हो गए हैं और काफ़ी पुराना इनका काम है। और क्या टाइमिंग है, क्या क्या इनके वहाँ बनता है, मैं आपको बताता हूँ। भैया क्या टाइमिंग है जरा बताएँगे? 12:30 से 10:30 रात के, दिन में 12:30 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक। स्विगी जोमेटो दोनों पे अवेलेबल है हमारा, स्विगी और जोमेटो में यहाँ पे अवेलेबल है जी। और क्या क्या आपके यहाँ बनता है ज़रा बताइए? ड्राई आइटम काफ़ी हैं, चिकन फ्राई, रोस्टेड चिकन, अफगानी चिकन, चिकन टिक्का हो गया, फ़िश फ्राई हो गई, फ़िश टिक्का हो गया, कबाब हो गए, कबाब रोल हो गए, और इसके अलावा ग्रेवी में हांडी चिकन, तवा चिकन, कढ़ाई चिकन, बटर चिकन, जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है वैसे बनाते हैं हम लोग। बिरयानी हो जाएगी, वेज में भी आइटम है, पनीर है, सब्जी है, दाल है वगैरह, सब दाल मखनी वगैरह, मशरूम वगैरह सब मिलेगा आपको। और चाप वगैरह मिलेगी, चाप में वैरायटी काफ़ी है। इसके अलावा मोमोज हो जाएंगे, चिकन के, पनीर के, वेज मोमोज सब हो जाएंगे। रोटियां भी हैं, तवा रोटी है। तो फ्रेंड देखिए, मतलब नॉनवेज के अलावा वेज में भी भैया के पास काफ़ी वैरायटी है। एक बार भैया यहाँ का एड्रेस बताएँगे आप? एड्रेस सौफटा रोड है और डेलापी सौफटा रोड पे आप आ जाएं। सिंध पंजाब रेस्टोरेंट के नाम से है। मिल जाएगा आपको, गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड देखिए ये बरेली में 100 फुटा रोड है और गूगल में भी आप डालेंगे सिंधी सिंध पंजाब रेस्टोरेंट बरेली में एक ही है। सिंध पंजाब रेस्टोरेंट के नाम से आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बरेली में एक ही है। और फ्रेंड वाकई में यहाँ का कबाब और नॉनवेज काफ़ी बढ़िया है। तो भैया हमारे लिए भी कुछ कबाब वगैरह लगवाइए, आप खाइएगा, आपको जो पसंद हो खाइएगा। आप आंटी चिकन पैक करना। तो फ्रेंड काफ़ी बिजी रहते हैं भैया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे कबाब बन रहे हैं और बहुत ही लजीज कबाब होते हैं। फ्रेंड ये होते हैं मटन के कबाब और मैंने पहले भी यहाँ पे ट्राई करे हैं, बहुत बढ़िया हैं और हम भी यहाँ पे लगवाते हैं। भैया अभी बनाएंगे हमारा। भैया हमारा कितनी देर में बनाएंगे आप? 2 से 3 मिनट में। अच्छा 2 से 3 मिनट पे। तो फ्रेंड देखिए ये है मटन कबाब। भैया आपका नाम? तरविंदर कश्यप। तो कितने वक्त से हो भैया आप यहाँ पे? 5 साल हो गए। 5 साल से आप यहाँ पे हो? तो भैया 5 साल से यहाँ पे हैं, जो कि कबाब वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब कबाब होते हैं, पानी आ जाएगा आपके मुंह पे। तो फ्रेंड ये जो है ये 100 फुटा रोड कहलाती है और ये सीधे जाके लिंक होती है आगे जाके लखनऊ बाईपास, लखनऊ में। और बरेली में आप आएँ तो यहाँ पर आ सकते हैं कभी। और यहाँ का आप ख़ास तौर से इनका नॉनवेज बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन। तो फ्रेंड देखिए आ गई रोटी हमारी, बहुत पुराना काम है इनका। तो फ्रेंड देखिए कबाब डाल दिए गए हैं और रोटी रुमाली उसमें लगा दी गई है और ये प्याज के साथ कुछ इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स कबाब रोल हमारा आ गया है, मटन कबाब रोल। आप देख सकते हैं फ्रेंड इसमें रोटी में लगा के दिया गया है और प्याज मिले हैं लच्छेदार और हरी चटनी। तो फ्रेंड बहुत लाजवाब है और खाया नहीं है, पहले ही देखने में अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसको मैं नहीं खाऊंगा, इसको मेरा बेटा खाएगा और टेस्ट करके बताएगा फ्रेंड्स ये कैसा है, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसा ये। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरा बेटा खा रहा है और वो मुझे बताया कैसा है ये कबाब यहाँ का, बहुत यमी लग रहा है। ये कैसी लगी पहली बाइट? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, ऑसम। लग रहा है कि बरेली में हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल है? तो फ्रेंड पहले ये खाएगा फिर उसके बाद मैं खा के बताऊँगा कैसा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा रोल भी आ चुका है और हम इसे टेस्ट करके बताएं ना कैसा है। और बहुत ही यमी लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, खा के बताते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। कुछ ये लच्छेदार प्याज मिली है इसमें और हरी चटनी। चटनी तो ऑसम है फ्रेंड, ऑसम, मतलब अलग ही फील है चटनी का। और हाँ फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा इनका बैठने का सेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पैकिंग सिस्टम ज़्यादा करते हैं। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप यहाँ पे खड़े होकर खा सकते हैं, सेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। भैया का था शुरू में करा था फिर बंद कर दिया उन्होंने किसी वजह से। तो फ्रेंड आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पर, अगर बरेली आते हैं तो भैया के वहाँ आके यहाँ का कबाब तो टेस्ट करना बनता है। फ्रेंड कबाब नहीं खाया तो फ्रेंड आपने बरेली में कुछ नहीं खाया, क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है, बहुत पुराना नाम है इनका कबाब में। तो फ्रेंड ज़्यादा वो नहीं करता, मैं खाता हूँ, ठंड बहुत हो रही है और गरम गरम कबाब खाने में मज़ा आ रहा है। फ्रेंड यहाँ पे एक भैया काफ़ी समय से वो यहाँ पे आते हैं और क्या खाते हैं ज़रा पूछते हैं भैया से। भैया नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। आपका शुभ नाम? पीके वर्मा। तो कितने समय से फ्रेंड आ रहे हैं आप यहाँ पे? लगभग 20 साल से। तो फ्रेंड 20 साल से भैया यहाँ पे आ रहे हैं। और क्या इनके पहले डैडी थे? जी जी, तो वहाँ जाते थे राजनगर में, अब इनका बेटा आ गया। तो फ्रेंड देखिए पहले डैडी जब बैठते थे यहाँ पे तब भी आते थे, राजनगर में बैठते थे, वो पुराना वाला जो आपका डाकनी रोड है वहाँ पे बैठते थे ये। मैं भी वहाँ पे गया था। तो यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? एवरीथिंग इज वेरी नाइस। तो फ्रेंड जितनी सब यहाँ पे बनता है नॉनवेज, जो भी चीज़ डिशेज बनती हैं भैया को सब अच्छी लगती हैं। क्वांटिटी वगैरह सही मिलती है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया, प्राइसिंग सही होती है? प्राइसिंग भी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड क्वांटिटी भी भैया को सही लगती है, प्राइसिंग भी यहाँ पे सही मिलती है। तो ये कि खाने के लिए अगर कहीं नॉन वेज के लिए तो इट इज़ वेरी बेस्ट। तो फ्रेंड देखिए, इतना मैंने आपको बताया, लोगों से मैंने रिव्यू दिलवाया, तो वाकई में टेस्ट है। एक बार आप लोग जरूर आइए यहाँ पे और यहाँ का नॉनवेज और फूड ट्राई करें। तो फ्रेंड फूड मैंने यहाँ का ट्राई करा, मुझे बहुत बढ़िया लगा है। तो फ्रेंड एक बार आप लोग भी यहाँ पे आइए, वाकई में मज़ा आ जाएगा आपको। बरेली में अगर आप आएँ तो इस जगह जरूर आइए, एड्रेस मैंने पूरा आपको बता दिया। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो मिलूँगा नए फूड के साथ, नई जगह में, नए जायके के साथ। मुझे विदा दीजिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।